हाय, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है यह हमें बताता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, बीते हुए वक्त में शुरू हुआ और वह काम जो है अभी भी चल रहा है। ओके, तो हिंदी वाक्य के अंत में जो है रहा है, रही है, रहे हैं, ये लगा हुआ रहता है और उसमें समय सूचक शब्द रहते हैं जो से जुड़े हुए होते हैं। ओके, जैसे वह एक साल से यहाँ रह रहा है, तो ये इसकी जो है हिंदी पहचान है, मैं दो दिनों से पढ़ रहा हूँ। अगर समय सूचक शब्द ना लगा रहे तो उस कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ या ती रही है, ऐसे जो है ऐसे पहचान होते हैं। जैसे वह एक साल से यहाँ रह रहा है। ओके, वह दो महीने से इस पुस्तक को पढ़ रहा है, वह इस पुस्तक को पढ़ता रहा है, वह इस पुस्तक को पढ़ रहा है अगर हो तो इस कंडीशन में यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा क्योंकि रहा है और समय नहीं है। लेकिन अगर वह हो जाए वह पढ़ता रहा है, ता रहा है, तो इस कंडीशन में जो है यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ तक क्लियर। इसे जब हम बनाते हैं तो इंग्लिश में सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं और इस चीज़ से हम बिल्कुल क्लियर हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं और यहाँ उसके बाद हम हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, साथ में बिन रहेगा, फिर वर्ब का चौथा फॉर्म जो आईएनजी होता है वह रहेगा, फोर या सिंस का हम इस्तेमाल करेंगे और फिर टाइम का इस्तेमाल करेंगे। अगर इसमें ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट हो तो वो जो है यहाँ पे वर्ब फोर आईएनजी, यहाँ पे उसका इस्तेमाल हम करेंगे। ओके, अब हम यहाँ पर जो है फोर और सिंस, समय से पहले हम फोर और सिंस का इस्तेमाल करते हैं, तो फोर का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं और सिंस का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। फोर जो है यह पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, किसी भी समय के पहले अगर संख्या लगी हो जिसे हम संख्यात्मक विशेषण कहते हैं। ओके, और ये पॉइंट ऑफ टाइम बिल्कुल निश्चित समय बताता है कि किस घड़ी, किस दिन, किस तिथि को, कितने बजे, कितने साल। ओके, जैसे फोर एन आर, एक घंटे से, तो एक घंटे से ये बिल्कुल निश्चित नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन वही अगर फोर ओ क्लॉक हो जाए तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर टू डेज, यहाँ डेज जो है यह संख्या टू लगा हुआ है, यहाँ पे अगर सिंस मंडे हो जाए, दिन का नाम हो जाए, तो ये निश्चित हो जाता है। ओके, कितने दिन से हो जाएगा। फॉर थ्री ईयर्स, यहाँ ईयर्स के पहले भी जो है संख्यात्मक विशेषण लगा हुआ है, यहाँ पे सिंस 2002, यहाँ क्लियर है, मॉर्निंग के पहले सिंस, चाइल्डहुड, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर या सिंस दिवाली, कोई भी फेस्टिवल हो उस कंडीशन में हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर? ओके, यहाँ तक क्लियर। अब इसे मैं मिटा देता हूँ। ओके, अब जैसे हमारे पास वह एक साल से यहाँ रह रहा है, वह सबसे पहले इसमें जो है हम सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा वह है, तो वह की इंग्लिश ही के साथ हैज का प्रयोग होता है। हैज और हैव का प्रयोग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो ही के साथ हैज लगेगा, बिन सबके साथ लगेगा, वर्ब फोर जो होगा यहाँ पे रहना है, रहना के इंग्लिश लिव होता है, तो यहाँ पे लिविंग हो जाएगा। ओके, एक साल से, तो एक संख्या लगा हुआ है साल के पहले, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे फोर का इस्तेमाल करेंगे, फोर अ ईयर या वन ईयर। क्लियर? अगर यही हो, वह पढ़ता रहा है, तो ये कौन से टेंस में है? ऑफ कोर्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है क्योंकि यहाँ पे ता रहा है, तो ही हैज बिन रीडिंग। क्लियर? अगर एक सेंटेंस आपका हो जाए, वह तीन दिनों से फुटबॉल खेल रहा है,
ओके, तो ही खेल रहा है, हैज बीन प्लेइंग। अब यहीं पे हम फुटबॉल का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब फोर लगाएंगे तीन दिनों से, वो थ्री डेज। ये क्लियर? ओके, अगर ये तो अफर्मेटिव था, अगर इसे हम नेगेटिव बनाए, नेगेटिव, तो हमें सिर्फ क्या करना होगा, इसमें नॉट लगाना होगा, सेंस नहीं में चला जाएगा, वह एक साल से यहाँ नहीं रह रहा है। ओके, तो यहाँ सब्जेक्ट हैज हैव के बाद जो है हम यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ही हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन लिविंग फॉर अ ईयर हो जाएगा, वह पढ़ता रहा है, ही हैज नॉट रीडिंग, वह नहीं पढ़ता रहा है। ओके, वह तीन दिनों से फुटबॉल खेल रहा है, वह तीन दिनों से फुटबॉल नहीं खेल रहा है। ओके, तो ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर थ्री डेज, तो नेगेटिव क्लियर। अगर नेगेटिव के अलावा इंट्रोगेटिव हो जाए, ओके, तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं, इंट्रोगेटिव, इन सब में फुल स्टॉप लगेगा जो अफर्मेटिव और नेगेटिव में। ओके, लेकिन इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क्स का हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन यस नो के बनते हैं और एक क्वेश्चन जो है WH के बनते हैं, जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। ओके, तो यस नो के क्वेश्चन में हैज हैव को हम पहले कर देंगे, क्या करेंगे, हैज हैव को हम पहले कर देंगे इंट्रोगेटिव में, ये हैज और हैव जो है हमारा पहले आ जाएगा। ओके, हैज हैव, ओके, प्लस यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा और बिन सेम सेम पूरा पैटर्न वैसा ही रहेगा। जैसे वह एक साल से यहाँ रह रहा है, क्या वह एक साल से यहाँ रह रहा है, तो यहाँ पे हैज पहले हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हैज ही छोटा हो जाएगा, हैज ही बिन लिविंग फॉर अ ईयर, हैज ही बिन लिविंग फॉर अ ईयर, क्या वह यहाँ एक साल से रह रहा है, क्वेश्चन मार्क्स कर देंगे लास्ट में। क्या वह पढ़ता रहा है, तो इसकी इंग्लिश जो हो जाएगी हैज ही बिन रीडिंग। ओके, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अगर WH वर्ड से शुरू हो क्वेश्चन, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो है WH वर्ड से हम इसे शुरू करेंगे। ओके, WH वर्ड्स हैज हैव सब्जेक्ट बिन प्लस वर्ब फोर ING प्लस फोर सिंस प्लस टाइम। ओके, जिसे हो जाए वह दो दिनों से क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। ओके, वह दो दिनों से क्या वॉट। ओके, सब्जेक्ट ही, तो यहाँ पे हैज, वॉट हैज ही बीन रीडिंग फॉर टू डेज। ये क्लियर? ओके, WH के लिए डिटेल्स में और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पैटर्न्स को देख लिया है, सो इट विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की जगह अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाए। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाए, तो इसमें क्या हिंदी जो पहचान होगी, रहा हूं की जगह रहा था। ओके, रहे थे, रहा था, रहे थे के बाद जो है समय सूचक शब्द रहता है। ओके, वह दो दिनों से खेल रहा था, तुम चार दिनों से पढ़ रहे थे, वह दो दिनों से, मैं दो दिनों से गाना गा रहा था। ओके, तो यहाँ पे रहा था, रहे थे, रही थी, ओके, ये रहता है, इसके बाद समय सूचक शब्द सेम रहता है, ता रहा है की जगह यहाँ पे सब में था लग जाएगा। ओके, यहाँ पे सब में था लग जाएगा। ओके, और
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है यह बताता है कि कोई काम पास्ट में बहुत पहले शुरू हुआ और पास्ट ही में ख़त्म हो गया और रिसेंट पास्ट में ख़त्म हो गया। ओके, तो यहाँ पे जैसे वह एक साल से यहाँ रह रहा था लेकिन अभी जो है वह नहीं रह रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो इसका अफर्मेटिव जो सेंटेंस बनेगा, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, वह सब्जेक्ट, सबसे पहले हम क्या डालेंगे इसमें, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हैड आएगा, हैड के बाद बिन आएगा, बिन के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो या अदर वर्ड्स हो तो यहाँ पे डालेंगे, फिर फोर और सिंस का वैसे इस्तेमाल होगा, और उसके बाद जो है हम टाइम का इस्तेमाल करेंगे, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। वह एक साल से यहाँ रह रहा था। ओके, तो वह एक साल से, यानी ही हैड बिन लिविंग, यहाँ है तो हियर, फॉर एक साल से, फॉर वन ईयर। ओके, एक साल से यहाँ रह रहा था, यहाँ ही हैड बिन लिविंग हियर फॉर वन ईयर। ओके, इट्स क्लियर। पा रहा था, तुम पढ़ते रहे थे, तुम पढ़ते रहे थे, तो यहाँ पे ते ता ते ऐसे रहे और रहा उसके बाद रहे, तो वह भी जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा। तो क्या हो जाएगा, यू हैड बिन रीडिंग। ओके, कोई प्रॉब्लम, नेक्स्ट देखते हैं। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा, ओके, अगर ये नेगेटिव हो तो यहाँ पे सिर्फ हम नॉट का इस्तेमाल कर देंगे, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, ये नेगेटिव हमारा जो है स्ट्रक्चर, ये जो है नेगेटिव हो जाएगा। ओके, वह एक साल से यहाँ नहीं रह रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह ही हैड नॉट बिन लिविंग हियर फॉर वन ईयर। ओके, वैसे ही सारे को हम कर लेंगे, अब ये मुश्किल बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस पैटर्न पे आपने ऑलरेडी देख चुका है। अगर ये जो है इंट्रोगेटिव हो जाए, इंट्रोगेटिव होगा, यस नो इंट्रोगेटिव होगा, तो उस कंडीशन में हैड जो है वह पहले आ जाएगा। ओके, तो ये हैड प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी जो है हैड पहले आ जाएगा, हैड ही बिन लिविंग हियर फॉर वन ईयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स जो है वह होगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। अगर ये डब्ल्यू एच हो जाए तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन में यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड्स के बाद फिर हैड का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, बिन यहाँ पे ऐसे इस्तेमाल करेंगे। ओके, वह एक साल से कहाँ रह रहा था, यहाँ पे यहाँ की जगह हम कहाँ कर देते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हम वेयर लगाएंगे, वेयर हैड ही बिन लिविंग हियर, लिविंग, वेयर हैड ही बिन लिविंग फॉर वन ईयर। ओके, तो ये यहाँ पे ये हो गया, तो ये डब्ल्यू एच क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में जो है हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यह बताता है कि फ्यूचर में कोई वर्क कुछ समय पूर्व या निर्धारित समय से या कुछ समय तक लगातार जो है ये कार्य होता है। इसकी जो पहचान है वो पहचान में ता रहूँगा, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ते रहोगे, और इसके बाद कोई समय सूचक जो है वह शब्द रहता है। ओके, अगर समय सूचक शब्द नहीं रहे तो उस कंडीशन में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ता हुआ रहूँगा, ती हुई रहूँगी या ते हुए रहेंगे, ये जो है ये रहते हैं। ओके, जैसे हम लोग 6 बजे से काम करते रहेंगे, तो यहाँ पे 6 बजे से, ओके, यहाँ पे समय सूचक जो है शब्द है और से ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पे से की इंग्लिश जो होती है फॉर और फ्रॉम,
सिंस का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है फ्यूचर टेंस में, कहीं कहीं बाय का इस्तेमाल होता है अगर तक के सेंस में हो, जैसे शाम तक, ओके, या इस महीने के अंत तक, ओके। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट शैल विल, उसके बाद हैव बिन, वर्ब फोर फोर और फ्रॉम टाइम, अगर कोई और वर्ड हो तो उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे कर सकते हैं, ओके। एक चीज़ इसमें और मैं क्लियर कर दूँ कि शैल और विल, शैल का इस्तेमाल आई और वी के साथ होता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में अगर आप देखेंगे तो आई के साथ विल का जो इस्तेमाल है धड़ल्ले से होता है, लेकिन रिटन फॉर्म में या प्रैक्टिकली जो है ये बहुत अभी इस्तेमाल नहीं होता है, स्पोकन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखते वक्त या ग्रामर के क्वेश्चंस बनाते समय जो है आई के साथ शैल और वी के साथ शैल का इस्तेमाल और यू के साथ विल का इस्तेमाल करें, ओके। तो वी शैल, हम लोग 6 बजे से काम करते रहेंगे, वी शैल हैव बिन वर्किंग फ्रॉम 6 o'clock, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस की जगह फ्रॉम का इस्तेमाल होगा, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर रहे जैसे मैं किताब पढ़ता रहूँगा, ता रहूँगा मैं बोल रहा हूँ, मैं किताब पढ़ता रहूँगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई शैल बी रीडिंग, क्योंकि यह जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन हुआ रहूँगा, मैं किताब पढ़ता हुआ रहूँगा, देन आई शैल हैव बिन रीडिंग अ बुक, ओके। तो ये हो गई। अब इसके नेगेटिव में आते हैं, नेगेटिव में हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो शैल और विल के बाद हम नॉट यहाँ पे जो है लगाएंगे, तो हम लोग 6 बजे से काम नहीं करते रहेंगे, तो वी शैल नॉट यहाँ पे लग जाएगा, हैव बिन वर्किंग फ्रॉम 6 o'clock, बिल्कुल ईजी। अगर हम जो है इसके अलावा नेगेटिव की जगह अगर इंट्रोगेटिव का इस्तेमाल करें, तो इंट्रोगेटिव 2 होते हैं जिसमें यस नो वाले में शैल विल जो है यह पहले आ जाएगा, ओके। शैल विल जो है यह पहले आ जाएगा, तो हम इसे पहले कर देते हैं, तो ये हो जाएगा शैल विल प्लस सब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पर क्या, हम लोग 6 बजे से काम करते रहेंगे, ओके। तो शैल पहले आ जाएगा और वी छोटा हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स का इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो शैल वी हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 6 o'clock, अगर ये इंट्रोगेटिव में WH हो तो WH पहले आ जाएगा, हम लोग क्या करते रहेंगे, ओके। हम लोग 6 बजे से क्या करते रहेंगे, ओके, क्या करते रहेंगे, अगर ये आ जाए तो इस कंडीशन में हम सबसे पहले क्या, तो व्हाट लगाएंगे, व्हाट शैल, हम लोग व्हाट शैल वी हैव बीन यहाँ पे डूइंग हो जाएगा, ओके, फ्रॉम 6 o'clock, इट्स ओके। आई थिंक इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, आपको ये पूरी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी समझ में आ गया होगा। तो आज जो है टेंस पहचान, स्ट्रक्चर, ट्रांसलेशन, ये सब जो है हमारे ख़त्म हो चुके, ओके। नेक्स्ट वीडियो में जो है कुछ स्पेशल ट्रांसलेशन को देखेंगे, ओके, और फिर उसके बाद हम टाइम एंड टेंस, और टाइम एंड टेंस के बाद मॉडल वर्ब जो है वह पढ़ेंगे। तो यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, ओके। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, अगर चैनल नहीं किया है, दोस्तों को बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।